बच्चे की जीरे था। और बता छोटे बच्चे बच्चे हैं पिछली बार भी हैं। वो आ गया गए मट्टी बुगा। ये मेरे साथी भाई हम लोगों ने आगे निकल रहे। ये रहने वाले हैं धारकुटी बांगर के भाई लोग। कल परसों मिले थे हमें, परसों से हम लोग सब साथ ही चल रहे हैं। और हम मिले थे ऊपर राजखर्क पवाली से एक स्टेप आ गए हैं। और वहीं फिर हमने पवाली में स्टे किया। आज हम करेंगे मट्टी में बुग्याल में, और कल जाएंगे हम भाई लोगों के साथ उन्हीं के साथ बदानीताल। चलिए मिलते हैं आगे। वो पर आपका जगदी टॉप, आज शाम को जाएंगे हम वहाँ। ये खाली जगह दिख रही है आपको, इसके नीचे लसर गांव है ना, लसर घाटी है। अच्छा सॉरी, लसर घाटी भी है और नदी भी, लसर नाम की नदी भी नीचे है और दूधगंगा नाम की नदी भी इधर नीचे ही बहती है। जो वैली दिख रही है आपको ये वी शेप में, इसके नीचे जो एरिया दिख रहा है। ये देखिए हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से जड़ी चूना म्यूडा गौला, फिर से ताली आए, ताली से राजखर्क, राजखर्क से पवाली, पवाली से पवाली टॉप, अब आगे हम माटिया। एक लास्ट चढ़ाई रहेगी अब ताल के लिए, हम लोग जा रहे हैं ऊपर ताल की तरफ भीमताल। यार भाई लोग अपने पानी की बहुत बड़ी समस्या आए थे, पानी की जगह पे पानी में मिले कीड़े। और थैंक यू सो मच भाई जी, आप बैग ले आए मेरा बहुत हैवी है। वो देखिए हमारे साथ, और वो दूर दिख रहे भयंकर, वहाँ जाना है हमें भाई। हम लकड़ी लेके जा रहे खाना बनाने के लिए, जा रहे भाई लोग। तो आखिरकार हम पहुँच ही गए अपनी फाइनल डेस्टिनी है जो हमारी, यानी कह सकते हो जो हमारा स्टे पॉइंट है, जो लास्ट आज जहाँ हम स्टे करेंगे मट्टिया खर्क। ये देखिए हमारे टेंट लग चुके हैं, ये टेंट नंबर 1, टेंट नंबर 2 पीछे। और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ हमारे टेंट लगे हुए। ये देखिए हम टेंट सेटअप कर रखा, और एक रहने के लिए प्लस खाना खाना जो खाएंगे हम इसी में खाएंगे। अरे हमारे अमित भाई, चलिए आपको लेके चलता हूँ जहाँ हमारा चूल्हा लगा हुआ है, खाना पकाएंगे। यहाँ पे भैंसे भी लड़ रही हैं, पर इतने दूर से दिखाई नहीं देगा इस कैमरे में। हाँ ये वो चूल्हा जिसमें आग सेकेंगे। और यहाँ हमारा खाना बनेगा, और भाई जी ये खाना बना रहे अभी अपने भाई। चलिए एक नंबर खाना बनता है, एक नंबर खाना बनाते हैं, एक नंबर। ये ऊपर भैंसे, और अभी हम शाम को जाएंगे यहाँ घूमने,
और ये रहे हमारे भाई जी मल्टी टैलेंटेड, आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर कैमरा करो ना, उतनी सारी 50-60 देख सकती है, 50-60 भैंस देख सकती है, मैं हम नहीं देख सकते उन्हें, कैमरा देख सकता है उनको, कैमरा देख सकता है भाई जी, आप कुछ कहोगे? अरे क्या बताना, ये देख लो तुम लकड़ियां लेके आ रहे हैं अभी जंगल से, ओह माय गॉड, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है पानी के लिए, बहुत नीचे जाना पड़ रहा है पानी के लिए, 2-3 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए भी। आहा, बड़ी समस्या है। उकादी के रास्ते, चलिए आपको आगे दिखाते हैं हमारे टेंट सेट, घर का व्यू देख सकते हो आप चारों तरफ का व्यू, जा इम्पोर्टेंट बात यार शेयर करनी आप लोगों से, रिक्वेस्ट भी है अगर आप लोग कभी इन जगहों में आते हो, खा जाते यार नेचर का हमें दिया हुआ एक वरदान कह सकते हो, एक गिफ्ट कह सकते हो जो नेचर ने हमें दिया है, तो हमें भी इनकी इज्जत करनी चाहिए। आप लोग जब आते हो यार घूमने तो यार थोड़ा ध्यान रखें कि आपका जो वेस्टेज है या कूड़ा कचरा जो भी है, स्पेशली पॉलीथीन या कांच की बोतलें जो देखी हमने कभी रास्ते में बहुत सारी तोड़ रखी, तो प्लीज़ यार इन जगहों को थोड़ा साफ रखें, नेचर ने जो चीज़ें हमें दे रखी उनकी थोड़ी केयर करें, तो बाकी तो क्या है यार, फ्री में नेचर ने हमें यह सब कुछ दे रखा, आप आइए घूमिए फिरिए अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी यादें लेके जाइए, ध्यान रखिए थोड़ा नेचर का भी, हम नेचर का ध्यान रखेंगे तभी ये नेचर भी हमारा ध्यान रखेगा, बाकी इंजॉय योर लाइफ, ठीक है। अभी हमें टेंट के अंदर ये देख सकते हो आप, और एक चीज़ और टेंट के बाहर का व्यू, ये लोग हमारे साथ गए, देखो ऊपर खाना बना रहे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।